नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। जेट से एक नए अपडेट देने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सको। 15 नवंबर तक ठोस संकल्प योजना के अभाव में एयरलाइन परिसमापन को घूर रही होगी, सूत्रों ने बताया है ऐसा। और आपको बता दें, 15 नवंबर तक कोई योजना लागू नहीं होती है तो हम अगले साल की अनुसूची में स्लॉट के लिए अनुरोध करने की उम्मीद रखते हैं। आपको बता दें, अप्रैल से जेट एयरवेज ने ग्राउंडेड होने के बाद एक वांछनीय प्रस्ताव नहीं दिया है। हो सकता है कि लेंडर आगे समय समय पर रिजोल्यूशन टाइमलाइन को लेकर उत्सुक न हो, इसलिए व्यवहार योजना की अनुपस्थिति में परिसमापन एकमात्र विकल्प होगा, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जर्मन एन्फ्रोविच ने नेतृत्व वाले समूह ने पिछले महीने जेट में पुनरुद्धार के लिए व्यवसायिक योजना पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। एक अधिकारी ने कहा कि लेनदारों की समिति ने पिछले महीने 15 नवंबर तक समूह को समय देने की सहमति जताई थी। हालांकि सिनर्जी ग्रुप को बहुत कम संवाद हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि संकल्प प्रक्रिया में शामिल अधिकारी ने कहा है कि सूत्र को एयरलाइन में निवेश करने के लिए भारतीय साथी की तलाश है। बाकी FE ने पहले बताया था कि सरकार ने सितंबर में सिनर्जी ग्रुप के साथ अपनी बैठक के दौरान इस बात पर गंभीर चिंता जताई थी कि विदेशी इकाई का निवेश भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों का पालन करेगा या नहीं। भारतीय FDI के नियमों के अनुसार विदेशी एयरलाइन सीधे अनुसूचित भारतीय वाहक में केवल 49% तक स्टेक ले सकती है। समूह को बर्ड ग्रुप के साथ बातचीत करने पर समझा गया था। आपको बता दें, भारत और विदेशों में विमानन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है और ब्रिटेन स्थित उद्यमी रवि दियोल ग्राउंडेड एयरलाइन में निवेश के लिए सिनर्जी ग्रुप के लिए ईमेल और जेट एयरवेज के संकल्प प्रक्रिया के सलाहकार इससे प्रेस जाने तक रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह है अभी तक की अपडेट। कैसे लगी आपको कमेंट करके बताएं। कोई सुझाव सजेशन अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विनायक, आपसे फिर मिलने की आशा करते हुए अभी के लिए विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।